पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानों में कोहरे के चलते हरिद्वार में पारा अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा। हरिद्वार में यात्री भी भारी संख्या में आ रहे हैं और स्थानीय निवासियों को भी ठंड ने परेशान कर रखा है, मगर नगर निगम के द्वारा कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे स्थानीय निवासी और बाहर से आने वाले यात्रियों में आक्रोश है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा काफी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है, मगर वो व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में काफी ठंड हो रही है, मगर नगर निगम के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम को जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही भाई जी, बहुत बुरा हाल है। अलाव की व्यवस्था नहीं है, कम से कम लकड़ी भिजवा के अलाव की व्यवस्था करवाए ताकि लोगों को राहत मिले। सर्दी तो कड़ाके की हो रही है, ऊपर बर्फ गिर रही, शीतलहर चल रही है, हवा तेज चल रही है, कोहरा भी बहुत तेज है, गाड़ियाँ भी डिपर और लाइट चला के चल रहे हैं। तो नगर निगम को चाहिए थोड़ा सा जो है अलाव की व्यवस्था कराएं, जगह जगह जो दुकानें हैं उनके बाहर, जो हमारे यहाँ पे तो स्टेशन पास में तो होना चाहिए। बाहर से आने वाले यात्रियों का कहना है कि वो हरिद्वार में गंगा स्नान करने आए थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हरिद्वार में इतनी ठंड पड़ रही है। हमने इलाहाबाद से यहाँ आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयानक ठंड यहाँ पर है। यहाँ पर जो कपकपी वाली ठंड है, सर्दी, बर्फीली हवाएं चल रही है। हमने अपने पूरे बंदोबस्त के साथ नहीं आए थे, यहाँ आने पर पता चला कितनी सर्दी है, ज़्यादा ठंड है। आज के दिन विशेष तौर पर पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से कुछ ज़्यादा ठंड है। और यहाँ हरिद्वार आए थे, यहाँ बहुत ही ठंडी है, इतनी ठंडी कि जैसे कि कहाँ कपा देने वाली ठंडी लग रही है। हवाएं शीत लहर हैं, कोहरा भी धुंध है एकदम, इसकी वजह से थोड़ा सा मौसम बहुत गड़बड़ दिख रहा है। सर्दी के मौसम में नगर निगम के द्वारा कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हर की पैड़ी और आसपास के तमाम क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा स्थान चिन्हित कर लकड़ियां डाली जाती हैं, मगर इस बार नगर निगम के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। नगर निगम द्वारा पिछले सप्ताह से ही लगभग 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहाँ पर ऐसे लोग जो दूर से आते हैं या सामान्य रूप से कहीं भी फुटपाथ पर रुक जाते हैं, ऐसे स्थान पर व्यवस्था की। कड़ाके की ठंड में अलाव एक माध्यम होता है जिससे लोग ठंड से बच सकें। हरिद्वार नगर निगम के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों और गरीब लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, मगर धरातल पर उनके दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों के द्वारा अपने ही पैसे से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।